विंडो वाले जैसे एडिटर यूज करेंगे हम लोग पर फास्ट होने के लिए. जी एडिट, सपोज यू टेल मी सम नेम एफ डॉट, हाँ नाम देना है. अभी जैसे सी प्रोग्राम का डॉट सी लिखते थे, शेल स्क्रिप्ट में हम लोग लिखेंगे, एक्सटेंशन देना पड़ता है. बाकी कहीं पे लिनक्स में एक्सटेंशन देना नहीं पड़ता है फाइल में, ठीक है. लिनक्स इससे रिकॉग्नाइज नहीं करता है फाइल, बट जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल है वहाँ उसको ही सिर्फ वो कौन सी फाइल है, जैसे डॉट सी है, डॉट जावा है, डॉट पाइथन है, ओपनिंग दिस शेल स्क्रिप्ट. और कैसे, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सी प्रोग्राम कैसे लिनक्स में एग्जीक्यूट करते हैं. हमें शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट लाइन में हम लोग ये टाइप करेंगे, हैश नॉट द डैश सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, ये मेरा बिन एंड बिन में आपके इसमें आपको चेक करना है कि आपका इंटरप्रेटर कौन सा है, बैश है, सी हैश है, कौन सा, जो भी इंटरप्रेटर आपके यहाँ पे है कमांड इंटरप्रेटर, वो कमांड इंटरप्रेटर का नाम आपको यहाँ पे देना है. मेरे यहाँ पे बैश है इसीलिए मैंने बैश दिया है, ठीक है. वो कमांड इंटरप्रेटर कैसे चेक करना है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था. तो अभी सपोज जस्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट एफ नहीं यूज करती हूँ मैं अभी. इको इज फॉर रिकोर्स, डबल कोट्स में या सिंगल कोट में भी चलता है, हेलो ए सी आई टी, ठीक है. इतना लिखा अभी देखो. एंड उसके बाद हम लोग एल एस कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद पी एस एग्जीक्यूट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद सपोज एक फाइल बना लेते हैं, कैट नहीं, टच टच एक्स वाई एंड जेड, तो इतने सारे फाइल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है. फिर और कुछ करना है, लाइक शेल स्क्रिप्ट इज व्हाट, कि मल्टीपल जो टास्क होते हैं, व्हाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्क्रिप्टिंग, कि बहुत सारे काम जो डेली अपने को करने होते हैं, जैसे शट डाउन करना होता है, कुछ मेल लिखना होता है, सो दैट इज अ डेली रूटीन टास्क ना, आके मतलब कौन कौन लॉग इन हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, देन विच प्रोसेसेस आर रनिंग एंड एवरीथिंग. तो वो सब टास्क ना एक शेल स्क्रिप्ट में रख देने का, एंड देन सिर्फ एक शेल स्क्रिप्ट रन कर, जस्ट एग्जीक्यूट करो, सो दैट इज डन. लास्ट में सपोज एट द एंड ऑफ अ डे मुझे सब अपलोड करना है कहीं पे, जो भी पूरा दिन में डेटा जनरेट हुआ है दैट आई नीड टू अपडेट. और कहीं लाइक सपोज इट इज अ बैंक सर्वर जैसे है कि पूरे दिन के ट्रांजेक्शन वो उनका मेन सर्वर होता है, वहाँ पे अपडेट करना है. तो उसके लिए मतलब जो भी ये रूटीन टास्क है वो सब यहाँ पे डाल के, मतलब यहाँ पे पूरा डालो और एक ही उतना ही रन करो. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव स्क्रिप्टिंग, मतलब स्क्रिप्टिंग का एडवांटेज वो है. तो अभी यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं, सो हम लोग एक दो सेशन यही करेंगे और उसके बाद यू विल राइट योर ओन स्क्रिप्ट्स की जो एक्सपेरिमेंट लिस्ट में है. तो यहाँ पे फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स सब सिखाना है आपको. मतलब थोड़ा सा सिंटैक्स लिटिल डिफरेंट है बाकी लैंग्वेज से, थोड़ा सा मतलब उल्टा है इसीलिए थोड़ा ट्रिकी है. सो आप लोग, मुझे आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग विथ मी. हाँ, और यहाँ पे सपोज डेट कॉल करते हैं, और क्या करें, ठीक है बस इतना. अब भी इसको सेव करो, क्या किया, सेव किया, ये एडिटर को क्लोज करो, ठीक है. अब यहाँ पे आओ, फिर अब भी ये जो फाइल अभी बनाई मैंने क्या थी, एफ डॉट एस एच, एफ डॉट एस एच को अभी बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या क्या होंगे, सिर्फ रीड राइट परमिशन है, और बाकी अदर्स को सिर्फ रीड परमिशन होंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया था वो सी फाइल का सेम वे. तो ये तो मुझे एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए मुझे पहले इसका क्या करना है, उसको ज़्यादा परमिशन देने हैं. तो मैंने आई हैव टोल्ड यू वन ऑप्शन कि 777 से कर सकते हैं. अभी मैं प्लस एक्स, सो दिस इज अनदर वे, मतलब ये शॉर्टकट है, इधर आप नंबर से दे सकते हो परमिशन, उसके बढ़ा सकते हो, नहीं तो ये एक्स से एग्जीक्यूट परमिशन में दे सकती हूँ. सो प्लस एक्स मतलब एग्जीक्यूट परमिशन मुझे किसको देना है, एफ डॉट एस एच को, ठीक है. तो मैंने दे दिया, ठीक है. अभी एल एस कमांड एग्जीक्यूट करके आप दे सकते हो, देख सकते हो वेर इज दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फाइल, अभी नाम क्या दिया था मैंने, एफ डॉट एस एच ना, एफ डॉट, अच्छा एल एस नहीं एग्जीक्यूट करना था मुझे, एल एस विथ ऑप्शन एग्जीक्यूट करना था, इसीलिए नहीं आया वो.
अभी देख सकते हो आप लोग, एग्जीक्यूट परमिशन सबको है अभी, राइट परमिशन बाकी लोगों को नहीं है, ओनर को है, अदर्स को भी रीड राइट, रीड राइट बाय डिफॉल्ट ही था ना, रीड राइट ओनर को और ग्रुप को, और अदर को रीड परमिशन था, तो वो भी है। उसके साथ मैंने एडिशन जब प्लस एक्स किया तो एग्जीक्यूट परमिशन सबको मिल गया, तीनों को। अंडरस्टूड? हाँ आप लोग कर रहे हो? हाँ सबको, सब कर रहे हो ना? अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो मुझे मतलब आपका जब तक नहीं होता, यू कैन टेल मी टू वेट, शैल वी गो अहेड? मैम वो कैसे पता चलता है बैश है कि नहीं है? अच्छा वो एक मिनट हाँ मैम, तुमचा फोन आला बघा घरातून, घरातून फोन आला बघा, माझा फोन, एक मिनिट हाँ। वो मैम यहाँ पे बैश लॉग आउट और बैश हिस्ट्री नहीं नहीं इको अरे डॉलर शेल, हाँ हाँ डॉलर 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 कैपिटल SHEL ना, यस मैम। हाँ आया, देखो ये देखो मेरे यहाँ पे बैश है इसीलिए वो दिखा रहे हैं। आप भी ये कमांड एग्जीक्यूट करो तो आपका कौन सा इंटरप्रेटर है ना, तो आप दिखाएगा वहाँ पे, ये एग्जीक्यूट करो इको तो, और कैपिटल, ये सिस्टम वेरिएबल है ना इसीलिए वो कैपिटल में पूरा दो डॉलर। अभी शेल स्क्रिप्ट में भी हर एक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे तो वो डॉलर के साथ ही लेते हैं, बिना डॉलर का उसको समझता नहीं है कुछ, ठीक है? हाँ ये सब क्या दिखाऊं क्या फाइल, वो वापस ओपन करो। हाँ जी अभी कैट करूंगी तो भी आएगी वो, मतलब f.sh ना, तो कैट करती हूँ सो दैट सब पता चलेगा। ये देखो ये लिखा है उसमें, लेकिन यहाँ पे एडिटर में ओपन नहीं होती है, डायरेक्टली वो टेक्स्ट के जैसा मॉनिटर पे आ जाती है। इतने कमांड डाले, आपको और कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, मतलब जस्ट मैं अभी दिखा रही हूँ कि एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हाँ जस्ट फॉर दैट, हाँ कॉल करा ना, काय माहित मला आता दिसला हो का? अच्छा हो गया, रन करू मैं इसको? मैम वेट मैम, ओके मैम डेट के नीचे क्या लिखा है? डेट के नीचे नहीं कुछ नहीं, डेट ही कमांड एक लिखा है, उसके नीचे आपको और कुछ कमांड ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, आप वहाँ पे टॉप कमांड भी ऐड कर सकते हो करना है तो, बिकॉज टॉप एक रह गया है, जब PS कमांड पढ़ाया था तभी बताने का था, वो मुझे आज याद आया कि वो प्रोसेस टास्क मतलब कौन से रनिंग है, जस्ट देयर इज अ टॉप, अगर एग्जीक्यूट करना है ना तो एंड में करो, मत करो क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहता है, ऐसे ही जस्ट यहाँ पे बाद में मैं दिखाती हूँ ये रन करने के बाद, क्योंकि उसका आउटपुट जो है कंटिन्यूस आता रहता है, हम लोगों को कंट्रोल जेड करना होता है।
तो मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल जिसका मतलब फिक्स आउटपुट आने वाला है ऐसे ही कमांड लिखे हैं, हो गया सबका। बस ये हो गया होएगा मैम? और जो पहले हाँ क्या क्या कोई तो पूछ रहा है कुछ डन अभी, मैम। डन ना? ठीक है, अभी ना एक फाइल आपके पास रेडी है, उसमें कुछ आपने कमांड डाले हैं कि जो आपको सपोज आपका रिपीटेटिव टास्क है एंड वो बार बार एक से सेम ना करना पड़े, इसीलिए व्हाट यू डिड इज हम लोगों ने आप लोगों ने वो उसको एक स्क्रिप्ट बना दिया है विद f.sh। तो इसको रन कैसे करना है, डॉलर डॉट ये फॉरवर्ड स्लैश sh डॉट सॉरी f.sh, हाँ जैसे सी फाइल जैसे रन किया था डॉट स्लैश जो भी फाइल आइदर ए डॉट आउट किया था, नहीं तो क्या किया था जो फाइल वही सेम नाम रखना है तो वी रीनेम्ड इट एंड ये देखो क्या क्या लिखा था हम लोगों ने। पहले स्टेटमेंट था मैं अपना इको हेलो scit, आया क्या प्रिंट हुआ वो? मैम इधर बता रहे परमिशन डिनाइड। अच्छा आपको परमिशन क्यों, एग्जीक्यूट परमिशन आप, अच्छा आपने परमिशन नहीं दिया, chmod नहीं किया ना, chmod करना किया था ना मैंने बीच में, chmod 777 आपका फाइल नेम दे दो तो वो आपको कैसे करना परमिशन दे। बताइए। हाँ chmod मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा रही हूँ, वो आप करो, मैंने तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। chmod आइदर आप प्लस एक्स दे दो और आपका जो फाइल नेम है मेरा यहाँ पे f.sh है, ऐसे करो एंटर मारो हो जाएगा परमिशन। हुआ और इट इज सेइंग और कैन नॉट एक्सेस पीएस टच। मैम हुआ मेरा यस मैम हो गया सीएच मोड के बाद। हुआ ना आपका? अच्छा बिन फाइल कहीं ये होगा, क्योंकि जो कमांड्स होते हैं वो बिन डायरेक्टरी में होते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना बैश बिन में होता है, वैसे मतलब जो भी अपने यहाँ पे हम लोग बैश पे का इंटरप्रेटर पे जो भी मतलब शेल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी एग्जीक्यूट करते हैं ऑल दोज आर देयर वेयर इन अ बिन डायरेक्टरी, तो उसका कुछ इश्यू होगा तो ही उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। हुआ सब, कितने लोगों का हो गया मतलब सब लोगों का हुआ? तो जो कुछ बाकी एक दो कमांड दिखाने में भूल गई थी लास्ट टाइम वो भी दिखा कर देती हूँ, इसके बाद दूसरा शेल स्क्रिप्ट मैम करते हैं। कमांड नॉट फाउंड, इट इज शोइंग कमांड नॉट फाउंड। डॉट आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया क्या? देखो डॉट स्लैश आपका फाइल नेम विथ डॉट sh होना जरूरी है। यस मैम। ओके वो फाइल में वो हैश नॉट इक्वल टू में जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज करते हैं ना दैट, फिर फॉरवर्ड स्लैश उसके बिन देन फॉरवर्ड स्लैश और जो भी तुम्हारा इंटरप्रेटर है वो मैम वहां पर पे वो को। नहीं चल रहा है, कैनॉट एक्सेस ही बता रहा है बार बार, नो सच फाइल डायरेक्टरी। अच्छा तो तुम्हारा बिन का कहीं पाथ का प्रॉब्लम हो गया, ये कौन बोल रहा है? मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। अच्छा कृष्णा ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बिन डायरेक्टरी लोकेट करके मतलब कहाँ पे तुम्हारा ये सेव ये हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तुम्हारा शेल दिखा रहा है प्रॉपरली वो इको डॉलर शेल से? हाँ वो चल रहा है। अच्छा तो वहाँ पे डॉलर स्लैश बिन स्लैश बैश दिखा रहा है? कहाँ पे मैम? मतलब इको डॉलर शेल जब किया तो उसके नीचे पाथ आती है कि कहाँ पे है वो, मतलब सॉरी रूट डायरेक्टरी दैट इज फॉरवर्ड स्लैश देन बिन उसके अंदर बैश, ऐसे आया क्या? क्या आया आपका, क्या आया? नहीं आया कुछ भी इधर, ऐसे सिर्फ इतना आया हेलो SCIT आया। तो
तो तुम्हारे ये ls कमांड, आप नॉर्मल बाहर निकलो अभी और यहाँ पे ls कमांड एग्जीक्यूट करो, ls माइनस al वगैरह सब कुछ, ls ps एग्जीक्यूट करो तुम्हारे यहाँ पे। बाकी और किसी को इश्यू आया सिमिलर? मैम व्हाइल सेविंग द जी एडिट फाइल आई एम गेटिंग एन इशू। हाँ क्या? कॉलिंग इनेबल, अभी चल गया, अभी चला ना, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली वो हर एक एक ही लाइन में सब कमांड्स लेके थे, तो मैंने अलग अलग लाइन पे किया तो फिर सब चल रहे थे। हाँ यही तो मैंने बोला ना कि शेल स्क्रिप्टिंग है ना बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब बहुत खतरनाक प्रोग्रामिंग है ये। अभी तो मैं कमांड दिखा रही हूँ, अभी व्हाइल लूप एंड फॉर लूप पे जाओगे ना विल गो मैड, मतलब वो इतना सेंसिटिव होता है ना स्पेसेस के लिए, इसके लिए उसके लिए, इफ वहाँ पे है तो वो पाइथन के जैसा ना, उसको एकदम वो टैब सही होना चाहिए जगह पे, नहीं तो एरर देता है, और इतना इंटरेक्टिव एरर भी नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज, आई विल बी शोइंग द प्रैक्टिस शेल स्क्रिप्ट, इसीलिए मैं कर रही हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई केम टू द कॉलेज, बिकॉज आप लोगों को बता के कुछ ही, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच दैट वे, उसके बाद में फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट के स्क्रिप्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कुछ लोगों का हुआ कि आपको एटलीस्ट ये स्क्रिप्ट से क्या पता चला कि उसको उसके एग्जीक्यूट परमिशन उसको देना पड़ता है, और वो कैसे देना होता है, रन कैसे करना होता है, इतना पता चला आप लोगों को, ओनली दैट इज द ऑब्जेक्टिव ये शेल स्क्रिप्ट का। जी एडिट के लिए, जब सेविंग के लिए कोई तो बोल रहा था कि इश्यू आ रहा है, व्हाट इज दैट इश्यू, कैन यू टेल? हाँ क्या इश्यू आ रहा है मैम? इट इज सेइंग कॉलिंग इनहिबिट फेल्ड, कॉलिंग इनहिबिट फेल्ड। अरे बाप रे, वो आपका आपका वर्जन कौन सा है, कौन सा सिस्टम है आपका मैम? द वन यू गिव ऑन द क्लासरूम। ऐसे कैसे हो रहा है? आपके आपके पास कुछ दूसरा एडिटर है क्या, मतलब दूसरा एडिटर आप सर्च करके? वीआई और नैनो है, लेकिन उससे क्या है वो बहुत शॉर्टकट और कीबोर्ड के ही करना पड़ता है, मतलब एक भी कीबोर्ड कुछ हटाना है तो भी सभी शॉर्टकट है, सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए यूजुअली मैं वो प्रीफर नहीं करती हूँ। एनीवे मैं आपका प्रॉब्लम ये अपना सेशन होने के बाद मैं देखती हूँ कि व्हाट कुड बी द इश्यूज, ठीक है? अभी हम लोग ठीक है, हाँ नहीं तो बाद में आपका स्क्रीन शेयर करके फिर देखते हैं कि इश्यू सॉल्व होता है क्या। ओके तो अभी नेक्स्ट करें। हाँ तो नाउ कौन सा, हाँ वेरिएबल अगर कुछ ये करना है, सो अगेन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अगेन जी एडिट से हम लोग ac.sh यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगेन क्या लिखना है यहाँ पे, ये लाइन हैश ये एक्सप्लेनेटरी, देन दिस, देन दिन डैश एंड डैश, ओके एंड देन सपोज यू वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग, व्हाट यू डू, व्हाट यू डिड, आपने सिर्फ ये किए कर दिया इको, तो आपको कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना है तो वैसे डायरेक्टली कर सकते हो आप। अभी मैं जो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है तो मैं ओपन करती हूँ CHH डॉट, ठीक है। हाँ ये तो सिमिलर ही है, सो आपने ऑलरेडी कर लिया है। हाँ ये num डॉट sh खोलते हैं। तो अभी आप क्या करो, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर, डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कुछ जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने n कर दिया ऑटोमेटिकली वो लेता है, n इज इक्वल टू 1 लिखा है उसमें, देखो उसका इनिशियल वैल्यू 1 है। अभी यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग, व्हाइल लूप। हाँ व्हाइल लूप यूजुअली हम अपना राउंड ब्रेस होता है, सभी लैंग्वेज वैसे यूज करते हैं, ये शेल स्क्रिप्ट जो है वो स्क्वायर ब्रेस यूज करता है, जहाँ पे भी लूपिंग है कंडीशन चेक करना है क्या करता है, ये यूज करता है। तो व्हाइल स्पेस ये आप लोग टाइप करो आपके एडिटर में, उसके बाद यूजुअली अपना टेंडेंसी ऐसे होता है कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है उसको हम लोग एंड में क्या करते हैं, सेमीकोलन। ये उल्टा पूरा उल्टा काम करता है, या जहाँ पे जैसे व्हाइल है फॉर है इसके लिए वो सेमीकोलन देता है, तो दैट इज व्हाई अजीब है। तो व्हाइल के अंदर देखो
अंदर क्या है डॉलर एन, कैन यू सी दैट, कैन यू रीड इट, डॉलर एन. तो एज एन इज अ वेरिएबल, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग में उसको डॉलर के साथ ही उस वेरिएबल के वैल्यूज एक्सेस होते हैं, बिना डॉलर का वैल्यू एक्सेस नहीं होता है. किसी भी वेरिएबल आपको कहीं पे भी कंपेयर करना है, कुछ भी करना है, उसको डॉलर के साथ एक्सेस करना है, ठीक है. फिर उसके बाद माइनस, माइनस नहीं है वो, हाइफन है, हाइफन एली, लेस देन, हाँ लेस देन इक्वल टू के लिए है वो. जब तक मतलब एन का इनिशियल वैल्यू वन है, छह तक क्या करना है, डू क्या करना है, इको डॉलर एन. अभी जस्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए इको में क्या किया था हम लोगों ने, डबल कोट्स में लिखा था हेलो या समथिंग. अभी क्या किया है, वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करना है ना, तो क्या कैसे डिस्प्ले किया, डॉलर एन. एंड लेट मतलब जो नॉर्मली यूजुअली हम लोग आई प्लस प्लस करते हैं, यहाँ पे लेट कीवर्ड है, लेट एन प्लस प्लस. और डू इसीलिए ऊपर बोला था, इसलिए डन हो गया. तो इफ में भी मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आप लोग सब ये टाइप करो. फिर सेम थिंग आप किसी नाम से लाइक डब्लू नाम से सेव करो, सो दैट आपको समझेगा कि वाइल का सिंटैक्स इसमें है, या वाइल ही नाम दे दो, डब्ल्यू एच आई सिर्फ वाइल की वर्ड है वो मत पूरा यूज करो, डब्ल्यू एच आई डॉट एस एच ऐसे नाम दो इसको. फिर क्या करो, टाइप होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन परमिशन दे दो. एग्जीक्यूट परमिशन कैसे दोगे, सी एच मोड 777 आइदर उससे दे दो, नहीं तो प्लस एक्स और फाइल नेम. फिर रन करो, फिर मैं आपके साथ ही मैं रन कर, आपका टाइपिंग होने के बाद जस्ट यू टेल मी, देन आई विल रन दिस. मैम chmod हर फाइल को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यस यस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसीलिए मैंने यू मास्क ये दिखाया ना, तो वो मतलब डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है उसके लिए मैंने दिखाया था, कि वो जो सिर्फ 00002 दिखा रहा था, मतलब उसको बाकी जो परमिशन है मास्किंग किए हुए है, सिर्फ उसको रीड राइट परमिशन है, यस. तो हर फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन देना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है उसको. और ls dash al किसके लिए यूज करते हैं, क्या क्या ls, ls dash al कहाँ पे है ये, अच्छा ls तो वो कमांड का तुम पूछ रहे हो, ls dash al वो पूरा लॉन्ग इसके लिए, जस्ट ls कमांड होता है तो सभी लिस्ट नहीं होता है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा फाइल के परमिशन एवरीथिंग लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होता है वो al. दिखाऊं क्या वापस में करके, ls के ऑप्शन है, मतलब हर एक कमांड को लिनक्स में ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे सिर्फ ए भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ एल भी कर सकते हो, ए एल भी कर सकते हो, देर आर सो मेनी, ई एफ एल है, हाँ तो वैसे ऑप्शंस. ए एल से क्या होता है, ये जो परमिशन दिखाना था ना मुझे, इसीलिए मैंने ए एल एग्जीक्यूट किया था. तो पूरा हाँ, बता रहा है बैड इंटरप्रेटर बता रहा है एरर, बैड रन किया क्या आपने, रन किया क्या, क्या किया बताओ, पहले आपने ये फाइल सेव किया. हाँ मैम, मैंने मिस्टेक किया था, bin dot किया, bin dot bash किया. हाँ ओके, तो कुछ भी मतलब वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, तो इसीलिए मैं वेरी स्लोली गोइंग, वेरी स्लोली, और मैंने जैसे बोला कि टू सेशंस विल बी डूइंग ओनली दिस थिंग, प्रैक्टिस मतलब पूरे सभी लूप्स ही सेव करेंगे, उसके बाद तुम मतलब जो एक्सपेरिमेंट लिस्ट में है वो आप खुद करना, ठीक है. एक बार सिंटैक्स बता देती हूँ, फिर आपको करना है वो. हुआ मैम, हुआ, यस मैम, ओके. हाँ तो फिर क्या आया आउटपुट में, क्या आया, 1 2 3 4 5 6. अच्छा मतलब ये आया ना, सब कितने सबका आया, यस मैम, इको डॉलर एन मतलब, इको डॉलर एन मतलब एन में जो वेरिएबल है, यहाँ पे एन को हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया है, तो वेरिएबल के वैल्यू प्रिंटिंग करना है, कुछ भी करना है तो डॉलर से ही वो लेता है, इसलिए डॉलर. यहाँ पे देखो वाइल में भी डालते समय डॉलर ही डाला है. तो हम लोग अभी यहाँ पे आप लोग क्या क्या सीखे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं,
डिक्लेरेशन के लिए आपको टाइप कर्सिव की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप कंडीशन चेक करोगे आपको डॉलर के साथ उसको करना होता है चेक, ठीक है। डिस्प्ले करना है, कुछ भी करना है उसके साथ मैनिपुलेशन, तो क्या करना होता है आपको, उसको डॉलर के साथ यूज करना होता है। फिर व्हाइल लूप आपने सीखा, व्हाइल कैसा होता है, व्हाइल लूप, फिर डन, इंक्रीमेंट के लिए कैसे कहते हैं, ये तीन चार चीजें। तो मतलब बाय यूजिंग दिस आई मे टेल यू टू डू समथिंग, तो आपको वैसे करना है। पहले तो लेट्स बी कंफर्टेबल विद दिस वियर्ड सिंटैक्स ऑफ द शेल स्क्रिप्ट। मैं ये रन करके दिखाऊं या बाकी सबका भी हो गया है, या किसी के पास मशीन नहीं है तो उनके लिए दिखाऊं? तीन चार लोग ही बोल रहे हैं, बाकी कोई बोल नहीं रहा है, इसीलिए शुड आई रन दिस? हाँ ओके, सो टेल मी नो, सो आई विल क्लोज दिस फाइल फ्रॉम, हाँ ठीक है, जस्ट आई विल क्लोज एवरीथिंग। हाँ क्या फाइल नेम था वहां पे जो मैंने खोला था, प्लीज कैन यू मैम डॉट एस एक्स, नहीं मैम जाने दो, व्हाट वाज़ द फाइल नेम, जस्ट डॉट स्लैश आई थिंक नम डॉट एस एच था मेरा, डॉट एस एच, डायरेक्टली रन करके देखती हूँ। हाँ यही था ना, यही आउटपुट आया ना आपको, 1 to 6 प्रिंट हुआ ना? यस मैम। हाँ तो अभी दूसरा करते हैं, थोड़ा सा लूप के अंदर लूप। हाँ ये देखो, और यहाँ पे एक्सप्रेशन भी यूज किया है, इंस्टेड ऑफ इको प्रिंटएफ, जो अपना नॉर्मल सी का प्रिंटएफ स्टेटमेंट है वही यूज किया है। लेकिन देखो वहाँ पे ओपनिंग ब्रेस नहीं है, यूज करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो %4D लिखा है डायरेक्टली डबल कोट्स में लिखा है, और उसके बाद उसका जो वैल्यू आएगा वहां पे जो क्या प्रिंट करना है अपने को, एक्स का जो भी वैल्यू है इनटू जो वैल्यू वाई का है, तो ये मल्टीप्लिकेशन, इन शॉर्ट ये क्या करने वाला है, मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करने वाला है। ये भी आप लोग टाइप करो तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब y को 12 से इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी करते करते कर सकते हैं, तो उल्टा टेबल बनेगा। पहले ये करते, आधे लोग ये करो आधे लोग वैसे करो। आपका टाइपिंग होने के बाद मुझे बताओ, सो आई विल रन। हाँ एंड दैट एक्सपेरिमेंट 3 का एक कमांड बाकी था ना, एड यूजर, वो सिंपली एड यूजर ही है। लेकिन अभी मेरा मशीन का यहाँ पे क्या हुआ है, मैं देयर आर सो मेनी यूजर्स आई हैव क्रिएटेड ऐसे ही लैब के लिए ना लास्ट ईयर, तो बाकी लेकिन सबके पासवर्ड में आई फॉरगॉट एवरीथिंग, इसका मैं हार्डली कैसे तो भी मैंने रिकवर किया एंड आई लॉग्ड इन द लिनक्स सिस्टम। आई फॉरगॉट एवरीथिंग बिकॉज वन ईयर, मोर देन वन ईयर आई हैव नॉट सर्टन टू माई मशीन, सो दैट इज वाई वो कमांड है ना, आप आपके मशीन पे करके देखो एड यूजर, वो वैसे काम मतलब चलेंगी। मेरे यहाँ पे वो इसके अनलेस एंड अंटिल मुझे वो सिस्टम एडमिन के साथ सब रिकवर नहीं होता है। इवन ये बहुत सारे शेल स्क्रिप्ट मेरे पास है लेकिन यूज कौन से यूजर के अंडर किए है मुझे याद नहीं है, मतलब एवरी ईयर ऐसे बैच के नाम से एंड देन आई फॉरगॉट द पासवर्ड्स ऑफ दोज बैचेस। बहुत सारे यूजर तो है मेरे पास, ये देखो इतने यूजर्स है लेकिन मैं सबके पासवर्ड भूल गई हूँ, तो मुझे वो शेल स्क्रिप्ट पहले वाले नहीं मिलेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है।
अच्छा म्हणलंच थोड्याशा क्रॉप करून अजून व्हेरिएशन करता येईल, 5,000 पर्यंत करता येईल ना आपल्याला मग. डन अनुराग जोहान. यस मैम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 1 टू 12 इन दिस फॉर्मेट. अच्छा हां तो होने के बताओ ना मुझे, मैं पैसे वेट कर रही हूं आप लोगों के लिए. हां हां बाकी लोगों का ये मतलब ये व्हाइल लूप समझा आप लोगों को? व्हाइल लूप समझा, वेरिएबल कैसे यूज करना है समझा, कुछ ऑपरेशन उस पे करके उसका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करना है वो भी समझा. ठीक है मैं रन करूं इसको, ये जरूरत नहीं है. मैम उसमें परसेंट फोर्डी क्या है? वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है रे, मतलब ऐसे एक के नीचे एग्जैक्टली आना चाहिए ना, इसीलिए. नहीं तो कैसे आएगा? ऐसे वन डिजिट है तो वो एक के साथ आएगा. अभी सेकंड लाइन पे अगर टू डिजिट शुरू होता है ना तो कैसे भी आएगा ना. अभी कैसे फॉर्मेटेड अच्छे से आ रहा है ना वो, कि नहीं? रन द फाइल मैम प्लीज. हां ठीक है, अभी फाइल का नाम क्या था ये था ना, तो रन करने के लिए क्या डॉट स्लैश हाँ ये देखो वो 4D था ना वो, मतलब अभी ये तीन थी एट द मोस्ट तीन तक जाएगा ये पता है ना मुझे, 12 का ये है इसीलिए, मतलब 144 तक ही मेरा मैक्सिमम नंबर है इसीलिए 4. अगर आप अभी बढ़ा रहे हो ना इसको 25 कर रहे हो तो आपके 4 डिजिट, तो परसेंटेज 5 या 6 भी आपको देना पड़ेगा जैसे आपके डिजिट बढ़ेंगे वैसे दैट वे. यस मैम समझा. ठीक है लेकिन प्रिंट एफ यूज करने का तरीका इतना वियर्ड है ना, उसमें कुछ नहीं ओपने, मतलब राउंड ब्रेस नहीं कुछ नहीं, बाहर ही दे दो सब कुछ और प्रिंटिंग करने डायरेक्टली सीधा दे दो, तो ये वो इको का ही काम कर रहा है, इको में भी वैसे कर सकते हैं वो. ठीक है हाँ अभी हाँ अभी यहाँ पे एक टेस्ट करके ये होता है कंडीशन इफ दिखा रही हूँ अभी. हाँ ठीक है इफ इफ के साथ में एक टेस्ट करके एक फैसिलिटी है, तो दैट इज एग्जिस्ट करती है कि नहीं है वो. तो अभी व्हाट विल डू इज एग्जिस्टेंस चेक कर रही है करंट डायरेक्टरी में. अभी मेरे जो नाम थे वो कैन यू, हाँ अभी सेकंड के साथ ही जैसे था पहले एडिट नहीं करते हैं ऐसे ही पहले रन कर देते हैं. आप लोग भी सब टाइप करो. तो इफ का सिंटैक्स ये है, इफ में हम लोग यहाँ पे कुछ देंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ वो भी स्क्वायर ब्रेस में रहेगा. इफ के बाद देन आता है, जैसे व्हाइल के बाद क्या आ रहा था, डू आ रहा था, इफ के बाद देन. तो आपका जो इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करना है, जो भी डिसीजन आपको लेना है. यहाँ पे सिर्फ मैं येस और नो डिस्प्ले कर रही हूँ. ठीक है फिर एल्स एंड देन एल्स में जो भी डिसीजन आपको लेना है, चाहे वो लाइक टेकिंग सम एक्शन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर, और मैंने तो जस्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं बस. और इफ का एफ आई से इफ एंड होता है, एल्स भी ऐसे ही मतलब एफ आई से इफ एंड होता है. जैसे व्हाइल डू कैसे एंड हो रहा था, डन के साथ हो रहा था. टाइप कर रहे हो तुम लोग? दूसरा हम लोग कुछ इफ समथिंग लेस देन वो एली था ना व्हाइल में, वैसे ही यहाँ पे भी डाल सकते हैं. विल सी मोर एग्जांपल्स ऑन टू इफ. ठीक है एक लेस देन ग्रेटर देन चेक करना है, ट्रू फॉल्स चेक करना है, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, टेस्ट एग्जिस्ट है कि नहीं, ये करंट डायरेक्टरी जो है उसमें सेकेंड डॉट एस एच ये पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक कर रही हूँ. इसीलिए इफ में माइनस ई जो है दैट इज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पैरामीटर विच अभी आई पास टू द इफ. लेकिन यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं या कंडीशन चेक, जैसे आई इज इक्वल टू समथिंग, आई नॉट इक्वल टू समथिंग, I greater than equal to something, जो भी है ना वो सब कुछ दे सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ दैट केस. लेकिन यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ मैं, एग्जिस्टेंस, जैसे पर्टिकुलर फाइल इज इट अ डायरेक्टरी,
if it is a file, is it a, this file particular file is having which permissions, वो ऐसे वाली चीजें इसको execute permission है कि नहीं, ऐसे check करने के लिए भाई existence ये minus e वाला ये करते हैं, so that is I am showing now, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ये second.sh ये फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है, तो ये अगर इफ ट्रू होता है तो we will get output yes, अगर ये second.sh नहीं है तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, नो मिलना चाहिए, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ls कमांड के साथ जाके चेक करेंगे कि ये second.sh है कि नहीं अपने करंट डायरेक्टरी में, और उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ओके? मैम fi क्या करता है? fi if का एंड, जैसे वाइल का डू था ना, और वाइल के एंड में आप देखो, इसीलिए मैंने दो वाइल का बताया आपको, और डन डन से एंड होता है, तो fi तो if का उल्टा ही है वो, इट इज इंडिकेटिंग एंड, जैसे इसलिए इट्स अ फनी स्ट्रक्चर, जैसे केस अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर में यूज कर रही हूँ ना, तो वो एंड कैसे होता है पता है क्या, ई एस ए सी ऐसे एंड लिख करते हैं उसका, इसीलिए if का fi उल्टा, तो if वो if स्ट्रक्चर जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसका एंड वो इंडिकेट कर रहा है। ओके मैम, while do का done के साथ done indicates कि end हो गया while यहाँ पे, so that way, हाँ ये हुआ सबका type। अभी आप लोग आपके यहाँ पे पहले क्या करोगे, ये file save करो, फिर इसको chmod से उसको execute permission दे दोगे, next क्या करोगे आप लोग, आपको यहाँ पे ये ls command execute करोगे, और वहाँ पे जो file नहीं है वो file आप यहाँ पे parameter दोगे, ठीक है? चाहे वो ये लाइक फॉर्क डॉट सी एस सी दे दो, कुछ भी दे दो कि जो नहीं है, और एक बार सेम प्रोग्राम रन करोगे आप लोग जहाँ पे आपका फाइल है एग्जिस्ट, और वो पैरामीटर देख के एक बार चेक करो, तो एक बार आपका आंसर यस आना चाहिए और एक बार नो आना चाहिए, सो दैट इज व्हाट हाउ विल बी टेस्टिंग दिस प्रोग्राम, अंडरस्टूड? हाँ मैम वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं करके दिखाऊं क्या बाकी लोगों को? यस मैम, हाँ मैम, यस मैम, हाँ तो पहले इसको सेव करते हैं, क्लोज करो, यहाँ पे आओ, पहले क्या करोगे, ls कमांड एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे second.sh कुछ दिख रहा है आपको मेरी डायरेक्टरी में करंट, और एक एग्जिस्टिंग फाइल भी याद रखो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब रन करूंगी तो वो फाइल आपको देना है वहां पे, ठीक है? नहीं है ना second.sh? आपको दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? हाँ तो मैं रन करती हूँ test.sh, तो आप वो बता रहे नो, मतलब सही काम कर रहा है ना, वो चेक कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन पैरामीटर कर रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. अभी what we'll check is कि अगर किसी को चाहिए कि existence check करना है, then we can go again here, we can modify. यहाँ पे मैं अभी जो मुझे file दिख रही है ch.sh में दे देती हूँ ch.sh, then I will save this, I'll close this and again I will run. अभी ये आया क्योंकि ch.sh है अपनी current directory में, तो इसका existence check कर रहा है with if condition, मतलब हम लोग क्या सीखे अभी इसमें, if कैसे, what is the syntax of the if in this thing, now we'll do something. We'll take N1.
जस्ट डिस्प्ले करना है सेम वैल्यूज, तो क्या करोगे आप लोग इको? मुझे दोनों का भी एडिशन करके डिस्प्ले करना है, सो हाउ आई शुड डू? एको डॉलर एन प्लस एन, डॉलर एन प्लस डॉलर एन, डॉलर एन प्लस डॉलर एम, और ये दो बार है ना? हाँ, लेट्स कंपाइल, मतलब कंपाइल नहीं, अभी इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। व्हाट वाज द फाइल नेम आई गेव? ऐड ना, सो पहले मुझे क्या करना है, सी एच मोड ऐड डॉट एस, नहीं पहले प्लस एक्स ऐड डॉट एस एच हो गया, अभी डॉट स्लैश एड डॉट एस एच। हाँ आई डिड, आई फॉरगॉट टू गिव दिस थिंग प्रॉम्प्ट, सिंटैक्स एरर नियर एक्सपेक्टेड टोकन दिस थिंग, समथिंग इज गॉन रॉन्ग। हाँ क्या हुआ? इसके बाद दिस शुड बी देयर, ये दो हो गए। यहाँ पे इको में वो मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल जो बनाया था उसमें देखो कि यहाँ पे कोई क्या मिसिंग है, डॉलर एम लाइन नंबर 8 इको में प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? यहाँ पे डॉलर चाहिए के बाहर? यस सर। ठीक है, तो वापस बंद, एंटर फर्स्ट नंबर, चल ये देखो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक, सपोज 6 5, नहीं अभी भी प्रॉब्लम है। ऑपरेंड मैम, डेटा टाइप डॉलर डी, अच्छा नहीं दिया था क्या मैंने, सो सॉरी। कहाँ पे पर्सन डी डेटा टाइप कौन सा है वो? अच्छा वो तो वहां पे टेबल करना था इसीलिए था रे, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर था, वो जरूरत नहीं था यहाँ पे, जरूरी नहीं है वो। क्या क्या बोल रहे हैं, एरर क्या है? ऑपरेंड एक्सपेक्टेड, हमने EXPR यूज करके नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं EXPR से भी, देयर आर मल्टीपल वेज, वही तो दिखा रही हूँ, EXPR से भी कर सकते हैं आप, अगर EXPR से करना है तो EXPR से भी कर सकते हो, EXPR से भी होता है। मैं यहाँ पे लेकिन व्हाट इज द रॉन्ग मैं वो ढूंढ देख रही हूँ, वो समझ में भी नहीं आता है कि क्या रॉन्ग है। यू ट्राई अदर वेज, वो वाला प्रिंट एफ यूज किया था ना तभी, इको नहीं यूज किया था तो, लेकिन इको भी चलता है, जस्ट आई एम शोइंग अल्टरनेटिव सो मेनी वेज, जैसे प्रिंट एफ था तो वो वाला डबल कोट्स में हम लोगों ने परसेंट 4D या जो भी 6D जितना स्पेसेस आपको चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा इसके लिए जरूरी नहीं होता है। यहाँ प्लस बोल रहा है, प्लस तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे शायद ये नहीं चाहिए क्या, ये स्पेसेस नहीं चाहिए शायद, तो इसको डिलीट करके मैं देखती हूँ सेव करके। इट इज वेरी सेंसिटिव टू द स्पेसेस एंड एवरी टाइम आई कीप ऑन फॉरगेटिंग दिस, फर्स्ट नंबर ऑपरेंड एक्सपेक्टेड, वो प्लस को नहीं ले रहा है, अभी क्या हुआ इसको? वो वाले प्रोग्राम में क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था ना, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन को वो प्रॉब्लम देता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये स्पेसेस हटाऊं ये वाली,
कैन समबडी ट्राई दिस ऑल द वेज? आप भी कर रहे हो ना मेरे साथ? मैम गिव द स्पेस आफ्टर प्लस. आफ्टर क्या? प्लस प्लस. अच्छा इसके बाद स्पेस देना है क्या? आपका हो गया एंड एम एम? नो मैम, आई एम एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्पेस. यहां पे भी, यहां पे भी ना? यस. यहां पे दो हो गए, वो भी नहीं चलती, उसको दो नहीं चलते हैं, एक ही लगता है. यहां पे भी हां वही तो किया था वैसे. लेट्स सी, बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है. नहीं आप ये से, हाँ ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई. व्हाट इज टाइम, हाउ मच टाइम वी हैव? हाँ 44 हो गए ना, 12:45 हो रहे हैं. सो एक और एक वेरिएबल में रख के उसको प्रिंट कर सकते हैं. हाँ वो भी एक वे है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो होना चाहिए था. लेकिन देयर आर सो मेनी वेज, ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी, बहुत सारे वेज है एक सेम चीज करने के, एंड देन दैट इज व्हाई वी फॉरगेट. आप एक्सप्रेशन EXPR से ट्राई करो. यो EXPR ना, लेकिन वो टिल्ड करके एक सिंबल लगता है उसके साथ, सो दैट इज व्हाई इट इज. आप लोग ट्राई करो EXPR. मैं आपको दिखाती हूँ एडिटर में जाके कैसे करना है, तो आप लोग वो कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ दिस ये करना है आपको, मतलब ये मैं कमेंट में ये हटा ही देती हूँ पूरा का पूरा. नॉर्मल जस्ट EXPR 1 ऐसे डायरेक्टली दिया ना, तो ये EXPR 1+2 ही दिखा देता है वो. ठीक है, आप ये करके देख सकते हो. जी जो यम है मुझे इसके साथ चाहिए, सो जस्ट आई रिमूव एवरीथिंग एंड देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं. डॉलर यम, डॉलर एन में है अपना स्पेस. मल्टीप्लिकेशन तो अपना वैसे भी इससे हुआ था. डॉलर यम ठीक है, इससे होता है कि लेट्स सी. ऐसे मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन ये स्टार यूज करते हैं हमला, इसीलिए वो इसलिए स्लैश स्टार देना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ बाकी सभी ऑपरेटर्स को नहीं लगता है, जब प्लस के लिए नहीं लगता है. सो लेट अस सी विद प्लस. अभी भी एरर बोल रहे हैं. EXPR अभी ब्रेसेस डालूं मैम? हुआ मैम, रीड में डॉलर नहीं आएगा. रीड में डॉलर नहीं आएगा, अगर डॉलर नहीं डाला तो हो रहा है बराबर. अच्छा ओके, यस यस यस, ये भी नहीं चाहिए ना फिर. हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम. क्या हम गेट यूज कर सकते हैं? गेट सेट यूज कर सकते हो? गेट सेट किसके लिए? यूजर से लेने के लिए और वैल्यूज को सेट करने के लिए. आप ट्राई कर सकते हो, चलती है क्या? आप ट्राई कर सकते हो. अभी देखो एंटर सेकंड नंबर थी, फिर प्रिंटिंग दो बार किया है क्या वहां पे? इको आया, अभी आया ठीक है, मतलब आंसर तो आया EXPR से. सो
ये देखो अभी आया, एक बार यानी हम डिस्प्ले भी किया है एंड एक्सप्रेशन EXPR से काम किया, ठीक है, उसको कुछ ब्रेसेस भी नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, ओके। तो अभी आप लोग जस्ट यू कैन टेक फ्यू नंबर्स, टू नंबर्स एंड यू कैन चेक द विच नंबर इज ग्रेटर द अमंग टू। तो इफ का यूज करके आप ऐसे ही करो, प्रिंटिंग करो, देन हम लोग सिर्फ इफ और व्हाइल ही किया है ना आज। तो व्हाइल से यू कैन, व्हाट यू कैन एल्स डू, जो नंबर एंटर्ड है वो ऑड है या इवन है चेक कर सकते हो ना। हाँ वो करो, राइट अ शेल स्क्रिप्ट फॉर चेकिंग, यू रीड वन नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड और वो नंबर ऑड है जो हम लोग दे रहे वो ऑड है या इवन है, इतना ये राइट अ शेल स्क्रिप्ट फॉर दिस, क्योंकि इसमें तो इफ ही लगेगा। Now I'll put a sample shell scripts onto the classroom. मुझे अभी यहाँ से नहीं कर सकती कि because it is not there on this machine. तो मैं डालती हूँ तो आपको जैसे time मिलेगा आप वो execute, मतलब कर लेना execute. जो भी आज के हुए हैं उतने while loop है, if loop वाले क्या हुआ बाद में कर सकते हैं। आप लोगों का वो हो गया ना सबका, तो टुडे वी हैव सीन व्हाइल लूप, इफ लूप और शेल स्क्रिप्ट, हाउ टू एग्जीक्यूट द शेल स्क्रिप्ट एंड द वेरिएबल रीड एंड दिस थिंग। ओके मैम, तो एको से चला सिर्फ सिंगल ब्रैकेट्स और सिंगल ब्रैकेट के बाहर और डॉलर साइन गिव। एक मिनट है, मैं वापस वो खोलती हूँ क्योंकि मैंने अभी एक कमांड दूसरा एग्जीक्यूट किया था आपको दिखाने के लिए। कौन सा मेरा फाइल था, add.sh। हाँ क्या बोले आप, हाँ हाँ बोलो, व्हाट यू वर सेइंग। इको से Johanna, somebody was saying something. Yes, ma'am. Echo dollar. हाँ.
parenthesis, dollar m plus dollar m and close bracket, close parenthesis. अच्छा वो भी चलाना जो पहले मैंने लिखा था वैसा, but there was a little correction. Okay, okay, because there are many places. This is single chapter. Okay, okay, thank you. तो हाँ, now just a few command जो बचे थे वो लेना है. अभी जैसे देखो मैंने हमने क्या command use किया अभी, echo star. आप भी execute करो echo star. और क्या दिखा रहा है वो बताओ मुझे. What is the output you are getting? All the files that are present. हाँ, तो ls command के जैसे आया ना, मैं वापस अभी ls भी करके दिखाती हूँ. लेकिन सिर्फ आउटपुट का ls command properly कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल है और कौन सी नॉर्मल फाइल है, सब दिखाता है. ठीक है, लेकिन जब इको बोलते हैं, इको स्टार बोला है. ठीक है, तो इको स्टार इज फॉर इज ए स्पेशल कैरेक्टर है, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं इसको लिनक्स में. स्टार इज फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, और डू एवरीथिंग और गिव ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग. सो दैट इज वाई. सो जैसे इको कौन से फाइल से अपने यहाँ पे यान तो नाउ देखो इको मैंने क्या किया, एन स्टार. तो एन से पोस्ट अल्फाबेट एन नेक्स्ट कुछ भी हो वो सभी फाइल्स हम लोगों को भी दिखा रहे हैं. तो दैट वे स्टार वर्क्स. स्टार मतलब फाइल. मैंने इको को क्या दिया, इट शुड फाइल और डायरेक्टरी जो भी है इट शुड बिगिन विद व्हाट एन, लेकिन उसके आगे कुछ भी चलेगा. तो ये हो गया. तो अभी इसको इसको ही कैसे कर सकते हैं कि पहला मुझे ठीक है, पहले कुछ भी चलेगा और सेकेंड मुझे यू ही चाहिए और बाद में कुछ भी चलेगा. देन सी मतलब जहां जहां पे यू आया है ना, जैसे नम वन नम टू जो भी है, किया अभी डी स्टार क्या करेगा. डी से कुछ शुरू नहीं होने वाला है ही नहीं शायद, इसीलिए कुछ नहीं आया. हाँ नहीं है, कैपिटल डी है. सो इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द स्मॉल एंड कैपिटल डी. हाँ, सो दैट इज व्हाई नथिंग केम. तो ये एक कमांड है जो रहा था. देन उसके बाद टॉप कमांड दिखाना बाकी है. आप भी टॉप ऑब्जर्व करो, ये पीएस का ही मतलब इट इज अ सिनोनिम फॉर द सिमिलर टू द पीएस कमांड. पीएस क्या करता है, विच आर द प्रोसेसेस विच आर रनिंग दिखाता है. अभी टॉप क्या कर रहा है, टॉप भी वही कर रहा है, बट इट इज शोइंग यूसेज, वो हर एक प्रोसेस क्या क्या यूज कर रही है और वो किसने शुरू की है. यू कैन सी मेरे यहाँ पे मतलब रूट और मतलब ये जो यूजर्स है उन्होंने क्या क्या शुरू किया है और वो हमेशा इट इज कंटिन्यूसली रनिंग. मतलब कंटिन्यूस वैसे पीएस कमांड नहीं करता है, बार बार अपडेट नहीं होता है ये. दिस इज अपडेटिंग एवरी टाइम. जैसे प्रोसेस आई, प्रोसेस मतलब रीशेड्यूल हुई, बाहर गई, एवरीथिंग फॉर ऑल द प्रोसेस इट कीप्स ऑन से कीप्स की सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है एंड एवरीथिंग. ठीक है, वो वर्चुअल मेमोरी में है, रेसिडेंट मेमोरी में है, कहाँ पे है सब दिखा रहे हैं. ओके, और सबकी पीआईडीज, प्रोसेस आईडीज दिखा रहे हैं, एवरीथिंग. और ये कंटिन्यू करता रहेगा. सो दैट इज ओनली डिफरेंस. पीएस कमांड कंटिन्यूस करता नहीं रहता है. टॉप कमांड हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स जो है प्रोसेस के, जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसका कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है. बिकॉज एवरी मिनट एवरी माइनट सेकेंड प्रोसेस आर कीप्स ऑन चेंजिंग ना. तो इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सेट.
something I had to show you, but I forgot. हाँ किल कमांड दिखाना था तो पीएस से ये देखो ये कमांड से नाउ किल किल एनी नंबर प्रोसेस आईडी आपको देना होता है 7870 मैंने दिया एंड देन सपोज आई एग्जीक्यूट अगेन 7870 अभी किल नहीं हुआ तो मुझे फोर्सफुली अगर उसको किल करना है देन व्हाट आई हैव टू डू इज हाइफन 9 तो अभी 7870 70 अपना ब्राउजर तो नहीं है ना मेरा हो अदरवाइज मेरा यही चला जाएगा नहीं बंद हो जाएगा किल वो टॉप प्रोसेस था वो इट इज किल तो अगर फोर्सफुली उसको करना है तो हाउ टू किल किल ऑल यूज नहीं कर सकते किल ऑल भी ऑप्शन है किल ऑल यही हो जाएगा हो हॉल्ट है हॉल्ट अभी मुझे नहीं करना है मतलब इट इज आस्किंग फॉर द दिस थिंग इंटरक्टिव मोड क्योंकि देर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशन आर रनिंग सो इट इज नॉट नॉट अलाइव यूनिट जीरो दिखाया था हॉल्ट ने हां या बंद कर दिया हॉल्ट ने सब स्विच ऑफ हॉल्ट हॉल्ट वन हां बंद कर देता है तो थ्रू कमांड्स ओनली वी कैन डू दिस यूनिट जीरो भी वही करता है यूनिट जीरो में करूंगी तो मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा अभी ठीक है और कुछ तो दिखाना आई फॉरगॉट द व्हाट आर द थिंग्स आई वांटेड टू शो आज ये लिनक्स इतने दिन के बाद ऑन करने के बाद आई फॉरगॉट सो मेनी थिंग्स उसके पासवर्ड्स एंड ऑल ना तो उसमें टाइम चला गया एंड मुझे याद नहीं अभी मुझे कौन से कमांड्स दिखाने थे बट नेक्स्ट टाइम हम लोग मैं अभी क्लासरूम पे जो स्क्रिप्ट डालती हूँ ना मतलब ये अभी मतलब इमीडिएटली नहीं मुझे लैपटॉप ऑन करके डालना पड़ेगा सो आई विल पुट इट वो आप लोग एग्जीक्यूट करो सो टुडे विल स्टॉप ओवर हियर और मैं आपका अटेंडेंस कैसे ले लूँ मेरे पास वो शीट नहीं है एक्सेल शीट नहीं है कुछ नहीं है कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली आएगा वही आएगा फिर आज मैं अटेंडेंस ऐसे ओवरऑल कितने हैं 55 है ना तो मतलब ऑटो अगर आता है यहाँ पे आई विल यूज ठीक है नहीं तो मैंने वनडे वाले सेशन में वापस मैं पूछ लूंगी आप लोग अभी मेरे पास नहीं है वो डेटा ठीक है तो विल नाउ सब लोग जा भी रहे हैं हाँ ठीक है I'll stop the meeting, okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, see you.